हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ, और आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो बेसिकली ग्रेड 2 और 3 के बच्चों के लिए है, मेंटल मैथ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला है, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 3, देन 0, देन 9, देन 6। ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। वॉट इज द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अबोव नंबर्स। सो यहाँ पे जो नंबर है वहां पे कौन सा वाला 3-डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो 0 पहले नहीं आएगा, फिर इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है। सो आंसर इज 963। दिस इज द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई अबोव नंबर्स। सो सेकेंड है, वॉट इज द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। सेम, अगर आपने ग्रेटेस्ट कर दिया तो उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है, ये हमें देखना है। सो फर्स्ट 0 नहीं होगा तो आप जो भी नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा, मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ वो। तो 0 पहले नहीं आएगा, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 3, देन 0, देन 6। सो आंसर इज 3, 0 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम आई, माई टेंस प्लेस इज 2, वेन यू एड माई टेंस डिजिट विथ वंस डिजिट द आंसर इज 2, द सम ऑफ ऑल माई 3 डिजिट्स आर 7। ऑल माई 3 डिजिट्स मीन्स हमें आंख बंद करके यहाँ पे क्या लिखना है, 100, टेंस, वंस, पहले ये लिख दीजिए। उसके बाद माई टेंस प्लेस इज 2, यहाँ पे टेंस प्लेस इज 2, ऐसे सॉल्व करना है ये सबको। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ईजी होगा। When you add my tens digit with ones digit, the answer is 2. Okay. So tens plus ones is equal to 2. हमें पता है. The sum of all my 3 digit is 7. सारे digit है 7. तो मैं कौन हूँ? So देखिए, आप जैसे देखते हैं tens और ones को add करने में answer 2 है. Already tens place में 2 है. तो यहाँ पे क्या add करेंगे तो number same रहेगा. Obviously 0. देन एडिशन माई ऑफ माई ऑल 3 डिजिट्स आर 7, सो 2 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 7, 5। सो आंसर हो गया 520। बहुत ही ईजी है, आप ऐसे लिख के आप कर सकते हैं उस टाइप का। कि मैंने और एक क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ माई ऑल 4 डिजिट्स आर 9, तो पहले आपको 1000, 100, 10, 1 लेना है, उसके बाद जो भी है उसको क्रैक करके एक एक करके आप यहाँ पे आंसर लिखना है। मैं इसको आपको आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप करेंगे ये। नेक्स्ट हमारा जो वर्कशीट है, 1 more than 56, मोर देन मीन्स 56 + 1, ओब्वियसली 57, 1 less than 99, 99 बिफोर लेस 99 क्या है, 98, 39 + 2 tens मीन्स 20 + 5 ones मीन्स 5। सो ऐड करके यहाँ पे लिखना है 39 + 20 + 5, 64। सो वैसे ही 5 tens + 60 + 8 tens ऐड करके लिखना है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट वे में दिया है, बहुत सारे रैंडम नंबर्स हैं, आप किस कहीं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एडिशन, और उनको पूरा ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे 8 + 2 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 3 = 25। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और एक उसका है ये, देन आते हैं हमारे ऑड और इवन नंबर पे। तो डायरेक्टली एक नंबर देंगे ऑड या इवन, हमें ये पहला नंबर चेक करके हम लिख देंगे कि वो ऑड है या इवन है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो ये इवन नंबर है, अगर 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो ये ऑड नंबर है, जो कि वंस प्लेस हमें चेक करना है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट में पहले ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको चेक करना है कि ऑड है या इवन है। सो जैसे 9 + 5 9 + 5 14, 1 2 + 1 3 3 + 1 4, सो 44। ये जो नंबर है ये ऑड है इवन है, हमें चेक करना है ये क्या है, इवन है, तो यहाँ पे इवन लिखना है। 2 tens means 20, 3 ones means 3, सो आंसर इज 23। वंस प्लेस में 3 है, दैट मीन्स ये ऑड। तो ऐसे मैंने दिया है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होगा और ऑड इवन भी चेक होगा आंसर के बाद। सो दोनों मैंने एक क्वेश्चन में दिए हैं।
जो हमारा नेक्स्ट है, आंसर इज 12, आंसर इज 15, आंसर इज 21. दैट मीन्स मैंने एक पजल दिया है, इसको आप कहीं से भी ऐड करें, आंसर 12 आना चाहिए. यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, जो कहीं पे कौन से साइड में भी आप ऐड करें, आंसर 12 होना चाहिए. ये थोड़ा ट्रिकी है, आप ट्राई कीजिए. इसका आंसर अब आप लोगों को चाहिए तो मैं डाउन बॉक्स में दे दूंगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये जैसा आंसर 15 होना चाहिए, आप कहाँ से भी ऐड करें, आंसर होगा हमारा 15. सो ये बहुत ही अच्छा है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार सॉल्व कर दिया तो वो बहुत ईजी है. और तो नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है 9, यहाँ पे 5, ये दोनों ऐड करके ये है आंसर. ये वाला सर्कल में जो नंबर है और ये वाला, ये है आंसर. सो 5 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 9? 4. जैसे यहाँ पे 3, 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 15 यहाँ पे लिखना है. जैसे 9 प्लस 2 11, 11 प्लस विच नंबर इज इक्वल टू 18 यहाँ पे लिखना है. तो एडिशन करके हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर आंसर कैसे आएगा. और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पुट सिंबल्स. सो नॉर्मली 3 यहाँ पे 4 लिख देंगे तो आँख बंद करके आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट दिया है मैंने. डिफ़िकल्ट मतलब करने में डिफ़िकल्ट, लेकिन एक बार आंसर आ गया तो वो बहुत ईजी है. सो 20 प्लस 1 21, 20 माइनस 1 19. तो इन दोनों में कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे. देन 15 प्लस 10, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है, सेम क्वेश्चन है, आंसर है, लेकिन उसको डिफरेंट वे में दिया. जो ऐसे को बच्चों को देंगे तो ब्रेन बूस्टिंग, मतलब ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी वाला आप दे सकते हैं. नॉर्मली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दे देंगे तो वो रोज करते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया.